देखिए दोस्तों, मैं आपको दो ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके साथ आप अपने हर पेपर में 10 नंबर या उससे ज्यादा तक भी ऐड कर सकते हो। मतलब आपकी एक इंप्रूवमेंट होगी कि जहां पर आप सोच रहे हो कि मेरा जो हार्डवर्क का लेवल, मैंने जो प्रिपेयर किया है उसके साथ मैं 50 तक अचीव कर पाऊं तो बहुत है, तो आपके वो 60 तक हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जिसके लिए पढ़ने का जो काम है वो उतना ही रखना आपने, जस्ट दो चीजों का ध्यान रखना आपने, ठीक है? तो ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो ना, चाहे वो आपका थ्योरी का पेपर है चाहे वो प्रैक्टिकल का पेपर है, मेरी बात को गौर से सुनना। हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं, मान लो क्वेश्चन है लेंथी, कई बार आधे पेज का क्वेश्चन भी होता है, फुल पेज का क्वेश्चन भी हो सकता है प्रैक्टिकल के केस में। तो हम जब क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ना भी एक टाइम कंज्यूमिंग काम है कि मैं अभी क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, 5 से 7 मिनट, कई बार 10 मिनट तक भी लग जाते हैं देखते देखते कि वो बात क्या करें स्टोरी में। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं जब क्वेश्चन के लास्ट में पहुंचा तो वहां पर लिखा हुआ था कि अब इन चीजों के आंसर्स बताओ या ये कैलकुलेट करके दिखाओ, ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। जब मैंने देखा अच्छा ये रिक्वायरमेंट है, मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने बैठ गया। आपके साथ भी पक्का ऐसा होता होगा। और जब मुझे पता चला अच्छा ये रिक्वायर्ड है, जब मैंने दूसरी बार क्वेश्चन को पढ़ा मेरे को असली क्वेश्चन समझ ही तब आया, क्योंकि मैंने पहले मुझे पता था कि रिक्वायर्ड क्या है, निकालना क्या है, फिर मैंने उसके अकॉर्डिंगली उसको पढ़ा, चीजों को देखता गया, लेकिन पहली बार मैंने पता नहीं क्यों पढ़ लिया उस क्वेश्चन को, है ना? तो इसलिए सबसे पहली तो बात क्या है, देखो यहां पर टाइम सेव करो। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है वो ऊपर लिखा हुआ है या नीचे लिखा हुआ है, नॉर्मली नीचे होता है, कई बार ऊपर भी दिया होता है, पहले वो देख लो ये क्वेश्चन की ये डिमांड है, चाहे वो थ्योरी है चाहे वो प्रैक्टिकल है, पहले क्वेश्चन की डिमांड देखो कि ये क्या मांग रहा है, उसके बाद उस क्वेश्चन को पढ़ो। तो आपका उस क्वेश्चन के ऊपर जो उस क्वेश्चन को समझने का टाइम लगता है ना कि इसमें क्या करना है, कहां पर क्या इंफॉर्मेशन दी है, वो हाफ हो जाएगा। देखो ये तो आपको एग्जाम सेंटर की बजाय आप घर पर बैठ के किसी क्वेश्चन के ऊपर की भी अप्लाई करके देखो, आपको पता चलेगा हाँ यार वाकई इसके साथ मेरा टाइम सेव हो रहा है। तो एक ये चीज तो आप अपने माइंड में फिट कर लो, पहले देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इस चीज को ना पक्का माइंड में लेकर चलना, भूल ना जाना कि और क्या आपको मतलब एग्जाम सेंटर में जाकर ये दूसरी बात याद ही ना रहे। देखो जब भी हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं ना, मान लो मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्योंकि नॉर्मली हम सभी पहला क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करते हैं जो हमें अच्छे से आता है। मान लो पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया वो 16 मार्क्स का था और मेरे को लगा हाँ यार मैंने फुल परफेक्टली अटेम्प्ट किया, मेरे को यहां से 16 में से 16 आ जाएंगे, और मेरे को वो अटेम्प्ट करते करते 30 मिनट लगे सपोज कर लो, तो ठीक है मेरी 30 मिनट में 16 मार्क्स की अटेम्प्ट हो गई है, ठीक है, चाहे मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं। अब उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन उठाया और मान लो वो 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन थे। अब वो 8-8 के 2 क्वेश्चन में मान लो पहले क्वेश्चन में मैंने एक गलती की जो मुझे पता था यार ये पॉइंट मुझे अच्छे से आता नहीं है लेकिन मैंने ट्राई कर लिया, दूसरे क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे कुछ ट्राई किया, अब मैं उसको भी 16 मार्क्स की अपनी अटेम्प्ट काउंट कर लेता हूं, मान लो मुझे आधा घंटा बोल लग गया, 1 घंटे में मैंने काउंट किया मेरे 32 मार्क्स का जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो गया, ठीक है, तो मैंने 32 काउंट कर लिए। लेकिन रियलिटी क्या है, देखो हमारा माइंड बहुत शातिर है, हमें पता होता है दूसरे वाले 8 और 8 में से मैं जो ट्राई मार रहा हूं मैं उस पर अभी बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं, यहां पर अगर वो गलत निकला तो मेरे को शायद 3 नंबर कट जाएंगे, दूसरे में मेरे 4 भी कट सकते हैं, तो मेरे 16 में से मैं अभी या तो 8 या 9 मानकर चलूं, चलो मैं 8 मानता हूं, तो देखो अगर मैं 8 मानूं तो मेरी 32 मार्क्स की अटेम्प्ट कहां रही। हम क्या करते हैं, हम अपनी अटेम्प्ट ना फुल काउंट कर लेते हैं। अगर मैंने किसी क्वेश्चन में मान लो P&L एंड बैलेंस शीट और 3-4 वर्किंग नोट बनाने थे तो मैंने P&L बनाकर आधा छोड़ दिया, बैलेंस शीट बनाकर 3-4 पॉइंट डालकर छोड़ दी, 2-4 वर्किंग नोट इनकम्प्लीट बनाए हुए, मैं मान लेता हूं जी मेरा 20 मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया, लेकिन वो अटेम्प्ट तो मेरी शायद 8 की या 10 की है या 5 की है। तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पहला घंटा निकल गया हमारा, उस 1 घंटे में मैंने जो स्कोर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, देखो हमारे को पता होता है आइडिया होता है हर बच्चे को, वो साथ में नोट करते जाओ कि 1 घंटे में मेरे एक्सपेक्टेड जो मैं स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो अभी मैं 15 नंबर का एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो मैंने ठीक की है, दूसरे घंटे में मैं अभी कह लो कि 20 मार्क का एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो मैंने ठीक की है, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर बना रहता है यार अभी मेरा 35 का ही हुआ, 1 घंटा रह गया। अगर आप फुल अटेम्प्ट काउंट कर लोगे तो उसके साथ क्या होता है कि शायद मैं कह लो कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाऊं कि चलो मेरा मेरी तरफ से तो 70 का अटेम्प्ट हो चुका है ना, ऐसे अटेम्प्ट ना देखो, ये देखो कि आप देखो जब आपको माइंड ये सोचता है ना यार मेरी इतनी कम अटेम्प्ट हुई है अभी,
तब ना मतलब कह लो जब जब इसके ऊपर प्रेशर डलता है ना ये तभी काम करता, बिना प्रेशर के ये भी काम नहीं करता। तब आप चाहे चार महीने पहले कोई क्लास लगाई हो या माइंड में कुछ क्रिएटिविटी के साथ यार मैं सोचूं जरा ये पॉइंट होना कैसे चाहिए, आप कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो, अदरवाइज ये माइंड सुबह ही रह जाता है। तो इसलिए ये देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जा रहे हो ना, जो जो अटेम्प्ट करते जा रहे हो, साथ साथ कह लो कि रफ पर कहीं पर नोट कर लिया करो अपने जहां पर वर्किंग नोट्स बनाते हो, इसमें से मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं पेंसिल के साथ चाहे, तो ये नोट करते जाओ आपकी साथ साथ जैसे जैसे टाइम चल रहा है अपनी अटेम्प्ट जो है एक्सपेक्टेड काउंट होती जाएगी कि अब मैं 6 नंबर का कर चुका हूं, मैक्सिमम वाला पार्ट ना काउंट करो। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको देखो अगर आपने इस वजह से सोचो जरा आपने पहले तो क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम सेव किया, आपको क्वेश्चन जल्दी समझ आए, दूसरा आपने प्रेशर डालकर अगर आपके 6 क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चन जैसे मान लो आपने करने थे तो हर क्वेश्चन में आपने एक एक दो दो नंबर की भी एक्स्ट्रा हार्डवर्क की, यार अभी तो मैं 6 एक्सपेक्ट कर रहा हूं कुछ तो और एक्स्ट्रा एड ऑन करूं, इस वर्किंग नोट को तो एड ऑन कर दूं, चलो शायद इसके साथ मुझे आधा नंबर मिल जाए, तो आप अगर मिलाकर 10 नंबर तक भी इसके साथ अपने इंप्रूव करते हो जो कोई मुश्किल बात नहीं है, नॉर्मली आप सोच ही नहीं सकते इस चीज को, तो आपको सोचो अगर आपने 10 नंबर पर पेपर इंप्रूव किए तो 4 पेपर में तो आपके 40 हो गए। तो एक बार जरा सोचो, और ये चीज आपको जस्ट एग्जाम सेंटर में जाकर अपने माइंड में रखनी है कि एक तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ते वक्त मैंने ये ध्यान रखना है, दूसरा जब मैं अटेम्प्ट करूंगा तो कितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्क वो मैं साथ साथ जरा नोट करता हूं, ताकि मेरे ऊपर वो प्रेशर जो चैलेंज जो है ना कि चलो देखी जाएगी अब जो हो रहा है चलने दो, ये नहीं मैंने इसी बार पास होना है क्योंकि मैं दोबारा 6 महीने जो अपने हैं वो उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। तो देखना आप अपने अब ज्यादा हार्डवर्क करोगे, तो 10 नंबर जो है हर पेपर में कोशिश करो जो एक्सपेक्ट करते हो उससे ज्यादा लेके आने हैं, ठीक है। चलिए बाकी आपके माइंड में कोई पॉइंट आ रहा हो तो मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना। तो ऑल द बेस्ट, आप सबके एग्जाम चल रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।